अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। बेसिकली ये हमारे पास रेशियो होती है दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस की। एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस। लेट अस कंसिडर यू एंड वी बी टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस। यू और वी जो हैं वो हमारे पास दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको पता है जितने वेरिएबल्स होते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन थी क्या हमारे पास, बेसिकली जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो इज़ इक्वल टू समिशन जी आई स्क्वायर, आई फ्रॉम वन टू एन था। एन किसको डिनोट कर रहा था, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा था। इस केस में जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे वो आपके पास एन थे, क्योंकि ये जेड वन स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन प्लस जेड एन स्क्वेयर, तो इसके एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो थे वो एन थे। अब हमने दो काई स्क्वेयर वेरिएबल्स लिए हैं, एक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास, एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास न्यू वन है, मतलब उसको वैसे ही हमने जनरलाइज्ड की नोटेशन के लिए न्यू वन या वी वन कह लें, वैसे ही न्यू वन पढ़ा जाता है। सेकंड की जो है वो न्यू टू है। यू हमारे पास क्या है, काई स्क्वायर वेरिएबल है। आपको पता है काई स्क्वायर वेरिएबल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन हो तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। इस केस में अभी हमने कहा है कि काई स्क्वायर वेरिएबल है विद न्यू वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये काई स्क्वायर वेरिएबल है विद न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस तरह, इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन ये वाली हो जाएगी। देन द वेरिएबल डिफाइंड बाय एफ इज़ इक्वल टू यू ओवर वी वन। अगर आप एक वेरिएबल एक ऐसा डिफाइन कर दें कि आपके पास यू जो कि काई स्क्वायर वेरिएबल है उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें, इसी तरह से जो आपके पास वी एक काई स्क्वायर वेरिएबल है उसको उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें, फिर इन दोनों की रेशियो ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अगर आप ये न्यू वन न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, अगर एन वेरिएबल्स हैं तो एन होंगी, एम वेरिएबल्स हैं तो एम होंगे। तो अब देखें आप इसको जो है वो यू ओवर वी लिखा, जो इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने न्यू टू ओवर न्यू वन लिख दिया। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ न्यू वन कॉमा न्यू टू से, क्योंकि इसकी दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन ये वाली होती है। पहले वाले की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो न्यू वन है और दूसरे वाले की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो न्यू टू है। फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन न्यू वन, फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस अज्यूम दैट यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यू और वी किस तरह के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन थी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो उन्हीं का आएगा ना, तो हमने यू अगर आप पहले वेरिएबल के लिए करें काई स्क्वायर वेरिएबल विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आपको पता है उसका ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये फंक्शन है दो वेरिएबल्स का। अभी हमने देखा कि एफ जो है वो यू और वी दो काई स्क्वायर वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इट मीन्स ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ वी हो सकते हैं। अब एफ ऑफ यू वी किसके इक्वल आएगा, पहले आपने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख लेना है, फिर उसके बाद आपने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख लेना है। फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में फ़र्क आएगा और इनके वेरिएबल में फ़र्क आएगा। जो यू एफ ऑफ यू है उसमें जहाँ जहाँ हमारे पास काई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ वहाँ यू इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास वी वेरिएबल है तो जहाँ जहाँ काई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ वहाँ वी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा। और यू और वी दोनों काई स्क्वायर वेरिएबल्स हैं तो इट मीन्स ये दोनों वेरिएबल हैं, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है ये भी एक वेरिएबल है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको पता है जब भी हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक जैकोबियन इन्वॉल्व होता है। हमारे पास एफ ऑफ यू वी ऑलरेडी एक फंक्शन है, हम चाह रहे हैं कि अगर आप इसको एफ़ का नाम दे दें, ये एफ़ के ही इक्वल है ना, अभी हमने देखा है यू ओवर वी इंटू वी न्यू टू ओवर न्यू वन, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप वी टू ओवर वी वन भी कह सकते हैं, और जेड को जो है वो हमने वी का नाम दे दिया है, तो हमने इसको न्यू नेम दे दिया एच का। एच किसका फंक्शन है, एफ और जी का फंक्शन है। जी किसके इक्वल है, आपके पास वी के इक्वल है, और एफ़ की जगह पे ये आ जाएगा, साथ में जैकोबियन इन्वॉल्व हो जाएगा।
एज एफ इज इक्वल टू, एफ हमारे पास किसके इक्वल है, यू ओवर जी, जी आ जाएगा ना, पहले आपके पास था एफ इज इक्वल टू यू ओवर वी इंटू न्यू टू ओवर न्यू वन। तो ये जो वी है अभी हमने कहा है कि ये जी के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एफ में हमने इसकी जगह पे जी रख दिया। तो आपको पता है जब जैकोबियन हम फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एफ आपने कैलकुलेट करना है। तो इट मींस यहाँ से जो है वो यू को आप सेपरेट कर लेंगे। यू को किस तरह से सेपरेट करेंगे, यहाँ से यू को आपने इसी साइड पर रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा एफ जी इंटू वी वन ओवर वी टू आ जाएगा। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एक दफ़ा आपने एफ के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव लेना है, ये z है, ये किसके इक्वल है, u के इक्वल। अब पार्शियल f ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल f आपने कैलकुलेट करना है। तो ये f ख़त्म हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू f, इसका डेरिवेटिव वन आएगा। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल z आपने कैलकुलेट करना है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को इसी तरह से यहाँ से आप वी कैलकुलेट कर लेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो जैकोबियन में रिप्लेस कर देंगे, आपका जैकोबियन इसके इक्वल आया। अब एफ ऑफ यू वी में जो है इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और साथ में जैकोबियन आना था, जैकोबियन हमने लिख दिया। यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, इसके इक्वल है, तो यू की जगह पे ही जहाँ जहाँ यू आएगा वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि हम सारी टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ एफ़ एंड जी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो साथ में ये जैकोबियन आ गया आपके पास। अब ये जो फंक्शन था ये बेसिकली काई स्क्वायर वाला था, तो जहाँ जहाँ आपके पास यू इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ आपने इसकी जगह पे ये जो अभी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये वाली यहाँ पे रिप्लेस कर दी। और इसी तरह से जो सेकंड काई स्क्वायर वेरिएबल था, जहाँ जहाँ वी इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ वहाँ हमने जी रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करें, पावर्स को कंबाइन करें, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। एच ऑफ एफ कॉमा जी जो है, ये जो आपके पास जहाँ पे एफ़ और जी दोनों इन्वॉल्व नहीं हो रहे उसको हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को ए का नाम दे दिया। अब अगर आप देखें कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एफ इंटीग्रेट करना, विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करना है, इसलिए आपने एफ को भी इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें ये फंक्शन ऑफ एफ चाहिए, एफ का डेंसिटी फंक्शन चाहिए ना। तो जब हमें काई स्क्वायर का डेंसिटी फंक्शन चाहिए होता था तो एफ ऑफ काई स्क्वायर होता था, जब हमें किसका डेंसिटी फंक्शन टी डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए होता था तो एफ ऑफ टी होता था, अब हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए तो ये एफ ऑफ एफ हो गया, ठीक है। ये किस तरह से आएगा, जब अगर आप इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू जी, जी की जबकि वेरिएशन भी आपके पास गिवन है, तो आपके पास ये बाकी जो रिमेनिंग होगा वो फंक्शन ऑफ एफ आ जाएगा। तो जी की जो वेरिएशन है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी है आपके पास। तो यहाँ पे ये जो ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है माइनस साइन को इग्नोर करके बाकी हमने टर्म्स को रिप्लेस कर दिया न्यू वेरिएबल के इक्वल वाई के इक्वल, इट मींस यहाँ से हमें जी की वैल्यू ये वाली चाहिए तो जी इसके इक्वल आ गया, डी जी भी चाहिए तो इस पर डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, डी जी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इट मींस इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी अगर तो चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेना है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देख लेनी है, वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। अब यहाँ पे देखें ई रेस टू द पावर माइनस वाई, ये गैमा फंक्शन की ही डेफिनेशन है, ई रेस टू द माइनस वाई, ई रेस टू द पावर माइनस वाई वाई पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई हो तो ये गैमा ऑफ वाई बनता है, गैमा ऑफ एन बनता है। तो यहाँ पे एन की जगह पे आपके पास ये वाली वैल्यू है न्यू वन प्लस न्यू टू ओवर टू, इट मींस ये इसका गैमा फंक्शन बन जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हमने लिख दी, एक ही जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो इस तरह से इसका जो डेंसिटी फंक्शन है आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये वाला है, इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमने इसको बीटा के टर्म्स में किस तरह से लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है ये गैमा ऑफ न्यू वन ओवर न्यू टू है और साथ में फिर गैमा ऑफ न्यू टू ओवर टू है, उसके बाद ऊपर इन दोनों की एडिशन का गैमा आना चाहिए था। तो ये देखें गैमा ऑफ न्यू वन ओवर टू प्लस न्यू टू ओवर टू, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है न्यू वन प्लस न्यू टू ओवर टू। तो ये ऊपर इसका गैमा फंक्शन मौजूद है,
तो बीटा फंक्शन जो है ये ओवर में दोनों का सेपरेट है, इट मीन्स ओवर में हमने लिख दिया बीटा ऑफ न्यू वन ओवर न्यू टू, बीटा ऑफ न्यू वन ओवर टू कॉमा न्यू टू ओवर टू। नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी पैटर्न पे मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इसके इक्वल होती है यू ओवर वी इंटू न्यू टू ओवर न्यू वन। यू एक काई स्क्वायर वेरिएबल है जिसकी न्यू वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वी भी एक काई स्क्वायर वेरिएबल है जिसकी न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। तो सबसे आसान जो वे है वो ये है कि हम इस पर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दें। तो न्यू टू ओवर न्यू वन जो है ये कांस्टेंट होते हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू ओवर वी आ गया। अब अभी हमने देखा है कि यू और वी जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू इनटू वन ओवर वी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू सेपरेट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर वी सेपरेट हो जाएगा। क्यों सेपरेट होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात याद होनी चाहिए कि u क्या है, ये काई स्क्वायर वेरिएबल है जिसमें हमने कहा था कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होती है। तो u की डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू वन थी, तो इसलिए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू न्यू वन आ गई। सेकंड वाले की क्या आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर न्यू, इसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू वन एक ऑलरेडी ओवर में मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर वी कैलकुलेट करना है। वी है ये जो कि काई स्क्वायर वेरिएबल है, तो इट मीन्स ये जीरो टू इन्फिनिटी वेरिएशन आ जाएगी काई स्क्वायर वेरिएबल की। नेक्स्ट वन ओवर वी एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा जो कि इसके इक्वल है, वो हमने लिख दिया। जिन वैल्यूज़ में अब वी इन्वॉल्व नहीं है उनको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, और जो रिमेनिंग है उस पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। ये सारी जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं सब में गामा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन में इशू नहीं होना चाहिए। वी बाई टू को हमने वाई के इक्वल रख दिया, और यहाँ से जो है वो डी वी की आपको वैल्यू चाहिए और वी की भी वैल्यू चाहिए। वी की वैल्यू इज़ इक्वल टू टू वाई आ जाएगा। डी वी के लिए दोनों का डिफरेंशियल लेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आपने इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। अगर v ज़ीरो हो, अगर v ज़ीरो हो तो यहाँ पे ज़ीरो करें तो y ज़ीरो आ जाता है, अगर v इन्फिनिटी हो तो y इन्फिनिटी आ जाता है। मीन्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो है वो कोई चेंज नहीं आया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर v की जगह पे आपने ये वाली सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। अब y की पावर आपके पास ये वाली फॉर्म में थी, न्यू टू ओवर टू माइनस टू, लेकिन हमारे पास जो गामा फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि y की पावर n माइनस वन की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको हम माइनस टू को लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन लिख सकते हैं। तो आप देखें इस पूरे का गामा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, इस पूरे फंक्शन का गामा बन जाएगा। और देखेंगे कि अगर उसमें कुछ कैंसिलेशन होगी तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो गामा ऑफ न्यू टू ओवर टू माइनस वन आ गया। ओवर में आपके पास गामा ऑफ न्यू टू ओवर टू मौजूद है। अब देखें यहाँ पे आपको न्यू टू ओवर टू चाहिए, और यहाँ पे आपके पास अब ये किस तरह से कैंसिल होगा, अगर आप ओवर वाले एक्सप्रेशन को एक टर्म तक एक्सपेंड कर दें, अगर ये आप एक टर्म तक एक्सपेंड कर दें तो आपके पास इसमें से वन माइनस आ जाएगा, और फर्दर वन माइनस के साथ है गामा फंक्शन, ये ऑलरेडी मौजूद है तो ये इसके इक्वल आ गया। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर वी क्या आया, वन ओवर न्यू टू माइनस टू आ गया। अब अगर आप इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आएगा ये क्या है, ये बेसिकली मीन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि न्यू टू ओवर न्यू टू माइनस टू है। अब नेक्स्ट हम इसका वेरियंस कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं। फाइंड फोर मोमेंट्स, अच्छा ये टी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली हुई है। वेरिएंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है आप सबको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ किसके इक्वल आई है, न्यू टू ओवर न्यू टू माइनस टू। न्यू टू किसका है, वी का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो न्यू टू है, न्यू टू इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स एफ आपके पास किसके इक्वल होता है, यू ओवर वी इंटू न्यू टू ओवर न्यू वन, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाता है। इसका स्क्वायर तो इसकी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर को अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो न्यू टू स्क्वायर ओवर न्यू वन स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी यू टू
यू स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर की। अब देखें ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने सेपरेट कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू स्क्वेयर हमने कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू स्क्वेयर का अगर आप देखें फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि वेरियंस का आपको फार्मूला पता है। अगर काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें पता है कि उसका जो मीन होता है वो हमेशा एन के इक्वल होता है। एन कोई भी हो सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। उसका जो वेरियंस होता है वो आपके पास टू टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इट मीन्स टू एन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वेरिएंस का फार्मूला ही अप्लाई करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ यू स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ यू का भी पता है, वेरिएंस का भी पता है, बाकी हमें ये वाली चीज़ चाहिए, तो इसको हम रीअरेंज करके तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली ये वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एक्स के, और वेरिएंस किसके इक्वल आएगा? टू टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ यू डिस्ट्रीब्यूशन। यू की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमने न्यू वन कही हुई है, इट मींस टू न्यू वन हमने लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू किसके इक्वल होती है? ये न्यू वन के इक्वल होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होती है, तो स्क्वेयर है तो होल स्क्वेयर आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन इधर जाके प्लस न्यू वन स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ यू स्क्वेयर आ गया। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ वन ओवर वी स्क्वेयर। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने वन ओवर वी स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दिया। फर्दर वी क्या है आपने ये याद रखना है, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके साथ इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, वो आपने लिखा। अब जिन टर्म्स में वी इन्वॉल्व नहीं है उनको आप बाहर निकाल लेंगे और बाकी वाले टर्म्स को अंदर रख लिया। अब अगेन यहाँ पे गैमा फंक्शन की हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको ई रेज टू द पावर माइनस सम वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने वाई वी बाई टू हमें नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे हमने वाई रिप्लेस कर दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, जो कि एज इट इज़ रहेंगी। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दी। तो आप देखेंगे ई रेज टू द पावर माइनस वाई आ गया वी टू ओवर टू माइनस टू माइनस वन, जो कि गैमा फंक्शन की जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस इन दो टर्म्स का गैमा फंक्शन हो जाएगा गैमा ऑफ न्यू टू ओवर टू माइनस टू। जो बाहर वाला एक्सप्रेशन है वो हमने एज इट इज़ लिखा था। अब देखें ऊपर जो टू की पावर है वो न्यू टू ओवर टू माइनस टू है, और ओवर में न्यू टू ओवर टू है। इट मींस न्यू टू दोनों की ये पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस टू है तो टू रेज टू द पावर माइनस टू रहेगी। इसको अगर आप ओवर में लेके आएंगे तो ये टू रेज टू द पावर टू आ जाएगी, जो कि फोर के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैमा फंक्शंस को हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे जो गैमा फंक्शन है वो न्यू टू ओवर टू माइनस टू है, और यहाँ पे न्यू टू ओवर टू है। इट मींस हम इस वाले एक्सप्रेशन को अगर टू टाइम्स जो है वो एक्सपेंड करें, टू टाइम्स एक्सपेंड करें, तो आपके पास ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम इसे कैंसिल आउट करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको दो दफ़ा आपने एक्सपेंड किया, एक दफ़ा इस एक्सप्रेशन में से वन माइनस कर दिया, और वन माइनस वाले के साथ गैमा फंक्शन आ जाएगा। ये बेसिकली होगा न्यू टू ओवर टू माइनस वन, और गैमा किसका आएगा? गैमा फंक्शन आपके पास आ जाएगा गैमा ऑफ न्यू टू ओवर टू माइनस वन। अब इस पे अगेन आप गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो इसमें से वन लेस जो कि माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू वाले का गैमा फंक्शन आ जाएगा। तो ये वाले दोनों जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी जो एक्सप्रेशन आ जाएगा आप उसका एलसीएम वगैरह लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। अब वेरिएंस ऑफ एफ में अब आपके पास इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर भी आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को आप वेरिएंस वाले फार्मूले में रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, तो आपके पास वेरिएंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि इसके इक्वल है। वेरिएंस ऑफ एफ इज़ इक्वल टू न्यू टू स्क्वेयर ओवर न्यू टू माइनस टू इंटू दिस आ जाएगा। ये सबका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है? फाइंड फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन।
अबाउट ओरिजिन आपने इसके फर्स्ट फोर मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको पता है आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लेते जाना है। अभी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेट की है, इसी तरह से सेकेंड मोमेंट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ आर का जो फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है। बेसिकली ये होता है, हम क्या करते हैं, हम इसका जनरलाइज्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर लेंगे, रेज टू द पावर आर है, फिर आर को जब आप वेरिएशन वन देंगे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा टू देंगे, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा थ्री देंगे, तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसी तरह से बाकी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ का जो फार्मूला होता है वो यू ओवर वी इंटू न्यू टू ओवर न्यू वन होता है, रेस टू द पावर आर है, तो ये वाली जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब यू रेस टू द पावर आर दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू रेस टू द पावर आर इंटू वन ओवर न्यू रेस टू द पावर आर। यू एंड वी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और यू क्या है, काई स्क्वेयर वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी होगी, ये हमने कैलकुलेट भी की हुई है, अगर नहीं की हुई तो आप इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा, यू रेज टू द पावर आर आ जाएगा, और साथ में काई स्क्वेयर का जो प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो आ जाएगा इंटू डी यू आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट द एंड ये वाला आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर वी रेज टू द पावर आर करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें रिप्लेस करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ आर इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आर, ये फार्मूला प्रॉपर कैलकुलेट करना हमें बताया हुआ है, इसको आप खुद देख सकते हैं, वही वाले स्टेप्स हैं, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर वी आर, जिस तरह अभी मैं आपको बता रही थी कि वन ओवर वी आर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, वी जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका गामा फंक्शन बन गया, ये इसका गामा फंक्शन बन गया, और इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ आर का जो फार्मूला है वो ये वाला है, इसमें अगर आप आर को चेंज करते हैं तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आ जाएगा, डिफरेंट मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आ जाएंगे। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि वन ओवर एच करते हैं और जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो भी वन ओवर में आ जाती हैं, तो इट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन ओवर एफ आएगा। तो पहले U था, अब ओवर में U चला गया क्योंकि इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोनों पे सेपरेट हो जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो V की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो कि न्यू टू है, इसी तरह से इसको अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसकी जगह पे इसका आंसर लिख दिया, तो इस तरह से F डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन क्या आया, न्यू वन माइनस टू ओवर न्यू वन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर f जो है वो f डिस्ट्रीब्यूशन है विद न्यू वन न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हमने ये शो करना है कि अगर आप इसको वन ओवर f रिवर्स करते हैं तो वो भी f डिस्ट्रीब्यूशन ही रहती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, पहले आपके पास न्यू वन कॉमन न्यू टू थी, अब ये रिवर्स हो जाएंगी, न्यू टू कॉमन न्यू वन आ जाएंगी। सिंस f फॉलोज f डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू वन न्यू टू, तो आपके पास f डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली फॉर्म थी। अब देखें अगर आप इसमें क्या चेंज करते हैं, वन ओवर f करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, इसको अगर आप लिखते हैं तो एट द एंड ये अल्टीमेटली ये वाला आ जाएगा। बस यही लेक्चर था, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।